तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का बीए पार्ट थर्ड का मनोविज्ञान का फिफ्थ पेपर का आज आपका एग्ज़ाम था, यानी जिन बच्चों का मनोविज्ञान था आज उनका पहला एग्ज़ाम था। वह पहला एग्ज़ाम किस पेपर का था, तो फिफ्थ पेपर का था। ठीक है, मैंने यूं तो सभी विषय का गैस क्वेश्चन सेल किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस और साइकोलॉजी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मेरा गैस क्वेश्चन सेल हुआ वह आपका साइकोलॉजी विषय का हुआ। इस साइकोलॉजी विषय का जो एग्ज़ाम है वह आज आपका हुआ, यानी आज कब, 31 तारीख को, 31/8/2021। ठीक है, कब हुआ, तो सेकेंड सिटिंग में हुआ, सेकेंड सिटिंग में, यानी कि सेकेंड सिटिंग में 5 बजे आपका एग्ज़ाम समाप्त हो गया। मैंने जो गैस क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है, आपका गैस क्वेश्चन टकराया कि नहीं टकराया आप कमेंट करके बतलाइए। लगभग 200 से अधिक बच्चे परचेज किए थे साइकोलॉजी का, तो वे बच्चे अपना क्वेश्चन देखिए और हमारा गैस क्वेश्चन देखिए, आपको 100% टकरा गया है। ठीक है, मैं आपको पूरा दिखाने के लिए आया हूँ। जो हमारा गैस क्वेश्चन था, हमारा गैस क्वेश्चन में अथवा लगा करके 18 प्रश्न अथवा छोड़ करके 11 प्रश्न मैंने आपको दिया था, और मैंने कहा था, और इन्हीं में से मैंने आपको MVVI और VVI भी चिन्हित किया था। अब आपको यह देखना है कि क्या प्रश्न हमारा टकराया है कि नहीं टकराया। एक तो मैंने MVVI मैंने चिन्हित किया था, मैंने बोला था कि MVVI से कम 3 प्रश्न आना ही आना है, आपको मात्र 4 बनाना था ऑब्जेक्टिव छोड़ करके। मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव का मैं तैयारी नहीं कराऊंगा, जो सब्जेक्टिव है, जो 4 बनाना है मैं उसका तैयारी कराऊंगा। MVVI से कम 3 प्रश्न पूछे ही जाएंगे और शेष आपको VVI से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या मेरा बात सच हुआ कि नहीं सच हुआ। आपको इस प्रकार से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का BA पार्ट थर्ड का यानी फिफ्थ पेपर का साइकोलॉजी का क्वेश्चन मिला होगा। पहले क्वेश्चन जो कि कंपलसरी है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपको बनाना है, इसका मैंने तैयारी नहीं करवाया था। ठीक है, ओनली सब्जेक्टिव का करवाया था, इसलिए सब्जेक्टिव जो प्रश्न है आपको 2 नंबर से प्रारंभ होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव छोड़ करके शेष 9 प्रश्न आपको बच जाते हैं। 9 में से आपको 4 बनाना था, आप देख रहे हैं कि इन 9 में से मेरा कितना प्रश्न आपको टकराता है। जो दूसरा प्रश्न है, ठीक है, दूसरा, तो पहला आपका MVVI में दूसरा प्रश्न आपको टकरा गया, इसे मैंने MVVI किया था। ये है सामान्य संभाव्यता वक्र का अर्थ एवं उपयोगों की विवेचना करें, ये प्रश्न आपको टकरा गया। ठीक है, आपके क्वेश्चन में 2 नंबर में है, जबकि हम गैस क्वेश्चन में, हमारा गैस क्वेश्चन में ये प्रश्न आपको मिलेगा 8 नंबर में। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका टकरा गया पहला, इसे मैंने MVVI मैंने चिन्हित किया था। तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है विचलन मापन के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें, आप अपना चौथा प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न को मैंने VVI किया। ठीक है, तो VVI से आपको ये तीसरा प्रश्न आपको चला गया, VVI का इस चौथे का अथवा में देखिएगा आपको मिल जाएगा विचलन मापन के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें, यानी कि 2 आपको टकरा गया, ये गैस क्वेश्चन से कौन सा रहा, ये हमारा गैस क्वेश्चन से चौथा प्रश्न रहा। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है काई वर्ग से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको किस में आपको मिल गया, ये भी आपको चौथा जो प्रश्न आपको मिला है ये हमारा VVI से मिला है। ठीक है, चौथा प्रश्न किससे मिला है, VVI से। गैस क्वेश्चन में कितने नंबर का है, तो हमारे गैस क्वेश्चन में यह प्रश्न 6 नंबर का है। ठीक है, अब हम पांचवें प्रश्न पे आते हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न आपको VVI से पूछा गया है, ये पांचवा जो प्रश्न है आपका, सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, पांचवा प्रश्न, ये हमारे गैस क्वेश्चन में आपको को मिल जाएंगे 9 नंबर प्रश्न में। MVVI मैंने चिन्हित किया था, ये भी आपको टकरा गया। ठीक है, उसके बाद 5 तक का हो गया। अब जो छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न आपको मैथ है, मैथ तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं मैथ का गारंटी नहीं लूँगा, मैथ आपको टकराएगा ही नहीं, इसलिए मैंने मैथ गैस क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, मैंने आपको बता दिया था। तो छठा मैथ है, सातवां भी मैथ है, आठवां भी मैथ है, नौवां भी मैथ है, और जो शेष जो दसवां है, दसवां में है आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो आप देखिएगा आपका जो चौथा प्रश्न है सांख्यिकी का उपयोग, ठीक है, यानी 2 करना है, ये आपका MVVI है, MVVI में मैंने आपको चिन्हित किया था सांख्यिकी का
ठीक है, उपयोग। तो पहले प्रश्न में देखिएगा, मैंने आपको बता चुका हूँ कि सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए, ठीक है, एक नंबर में, तथा इसका उपयोग, अथवा में देखिएगा उपयोग भी आपको दिया हुआ है, तो ये भी आपका टकरा गया है पहला, यानी कि 10 का आपको चौथा टकरा गया है, ठीक है, फिर 10 का तीसरा भी आपको टकरा गया है, मानक विचलन आपको VBI से है, ठीक है, उसके अलावा देखिएगा माध्य भी आपका टकरा गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको बनाना कितना था, आपको तो मात्र 4 बनाना था, यहाँ कितना टकरा है, यहाँ देखिए एम VBI से 1, 2, 3 आपका टकरा गया, और VBI से 2, यानी कि 5, 9 में से कितना टकराया है, तो 9 में से 5 हमारा टकराया है, 9 में से कितना टकराया, 5, ये पांचों का पांचों आपका सब्जेक्टिव है, क्या है, सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव तो हमारा पूरा टकरा गया है, जो शेष बच गया यानी 4 शेष बचा, वो 4 आपका मैथ था, मैथ के बारे में मैंने पहले ही बोला था कि मैथ का मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, वो आपको नहीं टकराएगा, इसलिए मैथ हम आपको दिया ही नहीं था, ठीक है, चूंकि देखिए मैंने जो गैस क्वेश्चन दिया, चूंकि वीडियो लेक्चर मैंने लिया नहीं था, इसलिए मैथ मैंने नहीं दिया था, अतः जो हमारा जो गैस क्वेश्चन है, यह हमारा गैस क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि 100% टकराएगा, वो आपको टकरा गया, ठीक है। जिन बच्चों ने 6th, 7th पेपर का गैस क्वेश्चन खरीदे हैं साइकोलॉजी का, आपसे विनती है कि आप जो है MVBI अवश्य रूप से हमारा पढ़िएगा, आपको अच्छे नंबर चले आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।